चलें फिर आईफोन 16 लेने लगे हम। आईफोन 16 नहीं शायद के बेचने लगे हैं पुराने मोबाइल सारे। मैं ये आया नया बटन, अभी इस समय इसकी जेल नहीं आई थी, अभी देखिए मैं बटन दबाऊंगा तो देखें क्या पता चलेगा। ये देखो स्लो है बटन थोड़ा, मुझे लगता है अपडेट आने वाला है। अभी अपडेट नहीं ना हो। जब मैं ये देखने के लिए कासिम के नसीब में पासपोर्ट या पाकिस्तान से बाहर जाना लिखा है या नहीं लिखा। कासिम ने कोई 3 महीने पहले अपना पासपोर्ट दिया था बनाने के लिए, पर अभी तक नहीं आया। तो आज हम देख रहे हैं कि आया या नहीं आया। ये हमारा पासपोर्ट ऑफिस है, देखते हैं आज कासिम की किस्मत चलेगी या नहीं चलेगी। गाइस सीन ये है कि एक दिन मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं स्टूडियो से अपने कपड़े लेके आया धोने के लिए। तो मैंने सोचा कि यार अम्मी को नहीं बताता, ऊपर जाकर ना अपने कपड़े खुद ही वॉश कर दे तो एटलीस्ट वो खुश होंगे कि भाई ये जो भी सीन है ना। अब नेक्स्ट डे मशीन लगानी थी सिर्फ मेरे कपड़ों के लिए। नाइस वलीद भाई, मुझे आपने सबसे पहले तो सजेशन दे एक। क्या मुझे बताएं, जो बाल मेरे पीछे अच्छे लग रहे हैं क्या आगे? आगे आगे भी लगते हैं। हाँ आगे ज़्यादा अच्छे। वजन खजूरें आई हैं जी, उम्र की ये पानी भी है, खजूर भी है। अब उम्मीद है हमारा मैदे का मसला सॉल्व हो जाएगा अल्लाह से। चलें फिर आईफोन 16 लेने लगे हम। आईफोन 16 नहीं शायद के बेचने लगे हैं पुराने मोबाइल सारे, पता नहीं। देखते हैं अभी जाके उधर पता लगेगा क्या होता है। हम चेक करते हैं सब प्राइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ये फिर आईफोन से अपग्रेड कर लो तुम, इस पे आ जाओ। सही नहीं? हां यार इस पे देखो ना, ये गंदी नहीं होती। देखो निशान भी क्या करना है आईफोन इतने में, ये एक आईफोन के प्राइस में 5 आ जाते हैं। हम आए थे बेसिक में बड़ा करने, अभी तक आए नहीं मार्केट में। वो 12 पड़े हैं वो ले लो, वो भी ले लेते हैं, सेकेंडरी फोन है। नहीं सर ये असल में रिच ये लोग होते हैं, पता है यूट्यूबर्स की कमाई कहाँ पे जा रही है, सारी आईफोन पे जा रही है। ये सारे फोन्स की तादाद इधर पड़ी है, पर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 16 नहीं पड़ा। हाँ जी कुछ दिनों बाद आएंगे। मरम्मत करवा रहे हैं अपना मोबाइल की, इसका साइज बड़ा है। नहीं साइज इतना ही है, छोटी कर दी। बंदर वाला प्रोटेक्टर गोरिल्ला ग्लास, ये असल वो गोरिल्ला जो गोरिल्ला ग्लास में आता है, ये वो गोरिल्ला है जो क्या उसे कहते हैं उसमें था प्लैनेट ऑफ द एप्स में जी माने थे यार। इसको फ्रंट पे अगर लगाई अभी 16 प्रो मैक्स का, हां ये बड़ा है ना। हां सही सही सही। तो उसके तो और सर आईफोन 15 सॉरी 16 प्रो मैक्स के लिए एयरपॉड्स लेने लगे आप, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाले। मैंने कब बोला है ये 15 है? अब इसका शॉर्टकट दिखाऊं? हां इसका वो बटन दिखाओ ना, सिर्फ बटन ही तो इसका फीचर है यार। कवर नहीं था इसका, पुराना कवर लगाना पड़ा है। मैं दिखाता हूं, ये आया नया बटन, अभी इस समय इसकी जेल नहीं आई थी, अभी देखिए मैं बटन दबाऊंगा तो देखिए क्या पता चलेगा। ये देखो स्लो है बटन थोड़ा, मुझे लगता है अपडेट आने वाला है। अभी अपडेट नहीं होगा। अच्छा फिर कर ला, शर्मो शर्म करो शर्म। ये हमने देखिए 16 प्रो मैक्स ले लिया है, इसमें ये बटन उन्होंने निकाला है। और ये कभी कभी 2 मिनट कवर की वजह से मार नहीं चल रहा। अपडेट नहीं आने वाला ना इसका, 18.1 पे सही वाली से जाएगी। ये चल गया, ये देखिए कभी कभी हीट डन भी से अभी ये दबाना है, आपने ऐसे करके ऐसे ऊपर उंगली रख के ऐसे अंदर की तरफ दबाना है, तो ये चल जाएगा। मैं लोगों को बोलूंगा ना ले 16 अच्छा नहीं है, फिर कैमरा बटन नहीं चल रहा। पूछा किसी ने फेवरेट फ्राइज आ गई हैं जी, ये आपने वहाँ पे मिस की थी सोदिया में, उधर फ्राइज नहीं मिलती, उधर ऐसी नहीं मिलती पसीने वाली है, इधर मिलती है साफ सुथरी। साफ सुथरी ना, मक्खियाँ बैठ रही हैं, गंद पैक करो, ये देखो ये वहाँ पे नहीं है। इसका मज़ा जो है ना पाकिस्तान में, जब तक ऐसे करके वो हाथ ना हमारे आलू में तो मज़ा ही नहीं आता। ऐसी है The next day. बड़ी देर हो गई थी आपने मेरे व्लॉग्स में कभी ये वाला मनहूस चेहरा नहीं देखा, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ अपना फेवरेट मनहूस चेहरा। ये देखें ये मेरी बैड लक है, मेरी पनौती है, मुझे हर जगह नज़र आती है। देख रहा है कि नहीं? चलो चले। जब मैं ये देखने के लिए कासिम के नसीब में पासपोर्ट या पाकिस्तान से बाहर जाना लिखा है या नहीं लिखा। कासिम ने कोई 3 महीने पहले अपना पासपोर्ट दिया था बनाने के लिए, पर अभी तक नहीं आया। तो आज हम देख रहे हैं कि आया या नहीं आया। ये हमारा पासपोर्ट ऑफिस है, देखते हैं आज कासिम की किस्मत चलेगी या नहीं चलेगी। पासपोर्ट मिलने की खुशी में कासिम आज हमें खाना खिला रहे हैं। दिखाओ भाई दिखाओ, हमारे को आपको पासपोर्ट मिल गया। मदद की पर तुम थोड़ा सा वीजा लेके चल रहे हो। नहीं मैं किधर जाने ही नहीं, मैं वापस देने जा रहा हूँ। मैं भाई वापस ले लो ये पास। ओ दे यार कोई ना
चलो लगा दे रस्ते पाया सी ਰੋ ਲਗਾ ਦੇ ਹਸਤੇ ਬਾਇਸੀ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਤੇ ਆ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਤੇ ਉਂਝੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੇ ਕਮਾਰ ਚਲੀਏ ਮੁਲਗੀ ਹੋਇਆ ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨ ਲਿਆ ਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇ ਰਹਾ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਪਾਪਾ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਾ ਅਬ ਟ੍ਰੀਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੜਤੀ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਲੱਗਤੇ ਕਬ ਆਇਆ ਕਬ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਬਤਾ ਅਭੀ 7 ਦਿਨ ਹੋਏ 7 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੁਬਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੋਰਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 100 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਾਪਾ ਬੰਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਹਾ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤੁਮ ਅਭੀ ਤੱਕ ਅਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਸਿਮ ਕੇ ਦਿਲ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਚਿਕਨ ਆਫਟਰ 1 ਮੰਥ ਆਫਟਰ 1.5 ਮੰਥ ਲੇਟਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਕੀ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ये हम मिशन के लिए पैसे लेके आए हैं 200 और बाकी 200 कहाँ से आ रहे हैं बाकी दो जिसके पास हम जा रहे हैं उनसे लूटेंगे चलो देखते हैं वो बंदा 200 निकालता कि वो भी ऐसे ही शक्ल निकाल के कहता भाई चलो घर ताज़ा खबर ये है कि हम सब इकट्ठे होके अली के पास गए थे तो अली ने बता दिया कि भाई वॉशिंग मशीन खराब है नीचे जाके पूछ लो वो तो उस कमरे में देखो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है यार ये क्या हो रहा है ये तो मुझे लगता है तुम्हारे काला जादू है वॉशिंग मशीन चिट्टा हो रहा है भाई साडे ते चिट्टा ए 3-4 दफा ओए अली ये जो जादू मैं करता हूं मुझे लगता है उल्टा पड़ गया हमें नहीं हो रहा भाई तू सही कर रहा है जिस पे करना है तू कर रहा है यार ये तो लीक हो गया ये तो हमने इसको ये तो नहीं बताया कि बाद में जादू हमने अली को कर दिया मोर 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 देख मस्ती का रहे हैं सीन ये है कि एक दिन मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं स्टूडियो से अपने कपड़े लेके आया धोने के लिए तो मैंने सोचा कि यार अम्मी को नहीं बताता ऊपर जाकर ना अपने कपड़े खुद ही वॉश कर दे तो एटलीस्ट वो खुश होंगे कि भाई ये जो भी सीन है ना अब नेक्स्ट जनरल मशीन लगानी थी सिर्फ मेरे कपड़ों के लिए ठीक है मैंने कहा चलो ठीक है जैसे वो सो ऊपर आएंगी वो देखेंगी कपड़े धुले हुए हैं तो वो खुश हो जाएंगी खैर वो रात को नीचे थी मैं ऊपर वाले पोर्शन में कोई भी नहीं होता मेरे अलावा क्योंकि पता हम लोग शूट वगैरह करते हैं और वैसे भी इधर कोई भी नहीं होता तो मैंने अपने कपड़े धोना स्टार्ट कर दिए मैं तकरीबन 3-4 घंटे लगा के यकीन मान लो गाइस मेरे कमर की दर्द निकल रही और मैंने इतने कपड़े धो के बाकी मेरी बस हो गई और फिर वो सारी बातें रात के टाइम धोए थे तो धूप तो थी नहीं तो मैंने क्या किया उस वाले रूम में पंखा चलाते ना तारे लगा के उसके ऊपर ही कपड़े डाल दिए मैं जब मामा ऊपर आई आगे कहती है क्या मैंने कपड़े दे इस स्टोरी के अंदर ऐड आ रही है अगर आप भी मेरी तरह अपने दांत को स्वाइट करना चाहते हैं तो कॉर्डर इस्तेमाल करें कंटिन्यू स्टोरी लंबी स्टोरी होगी गाइस देखिए हम ऐसे ही हर चीज हम खुद करते हैं बिल्ट इन अच्छा ये काट नहीं जानी ठीक है इसके सारे पार्ट्स काट दी तो फिर जैसी मामा ऊपर आई तो उन्होंने आके पूछा ये क्या मैंने कहा मारियो अभी तबीयत सही थी ना ये कपड़े धो दिए उन्होंने अब खुश नहीं हुए वो उन्होंने आके ऐसे कपड़े पकड़े तू कपड़े धोते ने रोंदा कपड़े धोन आंदते ना मैल निकली ना कुछ ना सरफ मारा तेरे मुंह उत्ते चपेड़ बताए मेरा काम घटा तो होर वधा दिते मगरों लत सारे कपड़े रेड में दोबारा धोने तो गाय जिंदा एंड यही है कि मारी अम्मी जो करती है ना उनको खुद करने दो क्योंकि जब आपने करना है उन्होंने कहना नहीं मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं मैं दोबारा करना तुम्हारा तो है कभी ऐसे नहीं भाई मैं इतना अच्छा बच्चा नहीं हूँ तो गाइज आप लोगों की वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है क्योंकि शम्स जो कह रहा है ना कि मेरे व्लॉग लोग देखते ही नहीं है तो इसको बताएं कि कितने लोग मेरा व्लॉग देखते हैं क्या मसला किसको बताऊं कोई देखेगा तो बताऊंगा ना कि देख नहीं रहा ये कह रहा है कि मेरा व्लॉग सिर्फ 60 लोग देखते हैं ज्यादा बोल दिया हालांकि तुझे पता इतने भी नहीं देखते गाइस ये व्लॉग कल नहीं आएगा ये परसों आएगा ये व्लॉग अगर आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर 10,000 व्यूज ना दिए ना तो फिर शम्स मुझे केक खिलाएगा अगर 10,000 व्यू आए अगर ना आए वो तो तेरे आने नहीं सारी जिंदगी और अगर 10,000 व्यूज आ गए तो फिर अली मुझे केक खिलाएगा यार तेरी इस वीडियो पे 100K ये क्रॉस कर दे मैं तुम्हारी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ आपको ये वाला व्लॉग अल्लाह की कसम है हाँ 1,00,000 व्यूज इस व्लॉग पे आ गए जी जी तो तुम मैं जो मांगूंगा जितने मर्जी पैसे मांगूंगा हाँ लेकिन ऑर्गेनिक रीच होनी चाहिए कोई फेक कोई ऐसा ड्रामा नहीं यूट्यूब पे पेड रीच नहीं नहीं ऑर्गेनिक ही होती है भाई यूट्यूब पे बताओ इसको भाई यूट्यूब पे भाई पेड रीच नहीं आती ये जिन लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ होता है ये बात सोच समझ लो कि YouTube पे पेड रीच कभी भी नहीं आती ठीक है उसमें मैं अपने अपने खुदा को हाजिर नजर क्या कहता हूँ कि वलीद के एक दिन के अंदर 100K क्रॉस करेंगे इस व्लॉग के अंदर तो ये जो कहेगा मुंह मांगी रकम देने के लिए नहीं एक दिन के अंदर नहीं तो और दिन पूरा साल दे दो जब भी हो जाए 1,00,000 तूने कहा इस व्लॉग पे 1,00,000 नहीं होने चाहिए तो एक दिन में हमारी वीडियो पे 1,00,000 नहीं होएगा डब्ल्यूटी पे मेरी बात सुन मैं कह देता हूँ
कल नु तेरी नस्ल मतलब तेरी जेडी बच्चे नु तक बच्चे पैदा होंगे वो तो शायद अंडर के हो जाए तो मेनू आग फड़ ले तो फिर दे रही ना ओदी गल सुन ओदी गल को सुन कह रहा जेरा तेरे बच्चे नु बच्चे पैदा होंगे तेरे बच्चे मतलब तेरी तीसरी जनरेशन जी तेरी अगो तीसरी जनरेशन और तेरे हंड्रेड क्यों नहीं नहीं एक हफ्ते का टाइम देना कम से कम 30 साल का टाइम तो दे रहा ऐसा ही पैसा आ जाएगा।